के सामने रौद्र रूप दिखाएगी भारत की खूंखार फोर्स। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस बुलाई भारत की नागा रेजिमेंट। भारत के 200 योद्धा चीन को दिखाएंगे अपना दम। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती नए मुकाम पर है। भारत ने चीन को रोकने के लिए अमेरिका से सहयोग मांगा और दोनों देशों ने लगे हाथ क्वाड संगठन को फिर से सक्रिय कर चीन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। भारत के हाथ अब अमेरिका जैसे महाशक्ति लग चुकी है और चीन इससे खौफ में है। सोने पर सुहागा जापान और ऑस्ट्रेलिया के रूप में हो गया। इस क्वाड संगठन में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी दिलचस्पी दिखाई है, यानी चार मजबूत देश मिलकर एक हो गए हैं। लेकिन भारत के इस कदम से दोस्त रूस नाराज हो गया। नाराज भी इतना कि उसने चीन से पहले ज्यादा दोस्ती प्रगाढ़ कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत से नाराजगी दिखाने के लिए उसने पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी रिश्ते बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ कई प्रकार की डील कर डाली। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। तालिबान भी भारत के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने रातोंरात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। इस लंबी बातचीत का मतलब है कि भारत और रूस के बीच दूरियां कम करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। अब इसका पहला प्रमाण मिल गया है। रूस ने भारत की सेना को आमंत्रित किया है, जो चीन के सामने अपना जौहर दिखाएगी। ये भारत के लिए बेहद सकारात्मक संदेश है, चीन की बोलती बंद करने वाला। रूस के बुलावे पर भारत ने नागा रेजिमेंट के 200 योद्धा रूस पहुंचा दिए हैं। 17 देशों के सामने भारत दिखाएगा अपना कमाल। दोस्त रूस ने दिया भारत का साथ देने का संकेत। दरअसल यहां पर रूस ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला ये कि मोदी और रूस की बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करना, और दूसरा ये कि अमेरिका की तालिबान के प्रति बदली हुई रणनीति के जवाब में दोस्त भारत को रूस का साथ। अब मौका भी है तो लगे हाथ रूस ने यह काम भी कर दिया। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन की ओर से रूस में एक बड़े मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के 17 देश भाग लेंगे। रूस ने इसमें भारत को खास तौर पर आमंत्रित किया है। रूस के निजनीय इलाके में दुनिया के 17 देशों की सेनाएं अपना दम दिखाने वाली हैं। मजे की बात तो यह है कि इस युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं तो मौजूद रहेंगी, लेकिन वो इस अभ्यास में भाग नहीं ले रही हैं। यानी ये दोनों पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे, यानी ये दोनों भारत की सेना के पराक्रम को देखने वाले हैं। हालांकि कुछ जगहों पर भारत और चीन की सेना एक साथ युद्धाभ्यास करती हुई नजर आएंगी, और मई 2020 में लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत और चीन की सेनाएं एक साथ अभ्यास करेंगी। 3 सितंबर से 16 सितंबर तक चलने वाले जपड़ 2021 युद्धाभ्यास में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत यूरोशिया और दक्षिण एशिया के 17 देशों के सैनिक अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भारतीय सेना शंघाई सहयोग संगठन की ओर से आयोजित युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ जंग लड़ने का जौहर दिखा चुकी है। भारतीय सेना के 200 योद्धा जपड़ 2021 में भाग लेंगे। भारत के 200 योद्धा नागा रेजिमेंट के योद्धा दिखाएंगे दमखम। रूस में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के योद्धा रूस पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह बटालियन नागा रेजिमेंट की है। इस बीच भारतीय और कजाक सेनाओं ने 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 कजाकिस्तान के नोड आयशा बीबी में शुरू हुआ है। भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के कुल 90 जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। रूस में आयोजित हो रहा जपड़ 2021 युद्धाभ्यास काफी बड़े पैमाने पर होगा और इसमें युद्ध के सभी पहलुओं का अभ्यास किया जाएगा। रूस यह अभ्यास ऐसे समय पर कर रहा है जब उसकी चीनी सेना के साथ दोस्ती बहुत मजबूत होती दिख रही है। इसमें रूस का भारत को इस तरह से आमंत्रित करना चीन को अखड़ सकता है। हालांकि जपड़ 2021 के तहत ही पिछले दिनों रूस और चीन के 10,000 सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया था। इस अभ्यास को अमेरिका के लिए खतरे की घंटी के रूप में देखा गया था। इस दौरान कई घातक हथियारों का इस्तेमाल रूस और चीन की सेना की ओर से किया गया। इस अभ्यास का मकसद एक साथ मिलकर शत्रु देश के खिलाफ लड़ना था।
खैर दोस्तों, पीएम मोदी और पुतिन की कॉल पर हुई बातचीत के बाद अब रूस और भारत वापस बातचीत कर रहे हैं और अब रूस ने विशेष रूप से भारत की सेना को रूस में आयोजित हो रहे इस युद्धाभ्यास में बुलाया है। खैर भारत ने रूस जैसे पारंपरिक दोस्त से फिर से दोस्ती करने के लिए बातचीत की है। कमेंट में अपनी तरफ से राय रखें कि क्या भारत ने अमेरिका को लेकर अपनी पूर्ववर्ती योजना को बदल दिया है? क्या अमेरिका से भारत से दूरी और रूस से नजदीकी ही भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी? इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखें।